कट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स होती है। बस अब दूसरा तरीका हमारा क्या है, किसी चीज को आपने कॉपी कर दिया वहां पे, उसको कैसे वहां से हटा के दूसरी जगह पे ले जाएंगे, ये कैसे करेंगे आप? वो हमारी कमांड है कट, यानी कि किसी चीज को उस जगह से कट करके कहीं और भी ले जा सकते हैं। जैसे आप लोग जो हैं कभी कभी चित्र, कहीं कोई अच्छा चित्र आपको लगता है, आप जो हैं किसी कॉपी से चित्र वो ले लेते हैं, किसी मैगजीन से चित्र लेते हैं, तो वहां से आप ब्लेड से कट करके उसको और कहीं और जाके अपनी जगह जाके चिपका लेते हैं। ये भी एक वही तरीका है कि हम कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर उस चित्र को वहां से कट करके कहीं भी ले जाके हम उसको चिपका सकते हैं या उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अब हमारी कमांड क्या है कट के लिए? कंट्रोल प्लस एक्स। कैसे याद रखेंगे? कट करने, किसी चीज को कट करने के हम क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं। याद रहेगा, बहुत आसान तरीका कंट्री कमांड याद रखने का। हमें कोई चीज काटनी होती है, ऐसे कैंची, कैसे काटती है कैंची? ऐसे काटती है। तो कैंची की तरह से ये देखिए क्या एक्स है, यानी कि जैसे ही आपको आएगा आपको एकदम से याद आएगा कंट्रोल प्लस कैंची, कट करना है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कमांड याद रखने का सबसे बड़ा तरीका है। ये कमांड क्या है? विक्ट्री, जहां हमने उसको पेस्ट किया था, और ये कमांड है कैंची एक्स। ये कमांड याद रखने का बहुत आसान तरीका है। कट की कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स वीडियो, कंट्रोल प्लस एक्स होती है। कट का उपयोग भी पेस्ट की कमांड, पेस्ट की कमांड वही है हमारी विक्ट्री वाली कमांड में करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कट और पेस्ट का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कट और पेस्ट। अब आपने कॉपी पेस्ट सीखा है, अब कस्ट पेस्ट दिखाना है। कट पेस्ट आप मेरे ख्याल से हम वीडियो चलाएंगे और वीडियो चलाते ही आप इसको बड़े आसानी से समझ जाएंगे। चलाते कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी ओवर टूल को सिलेक्ट करें और फिर उसे अपने पेंट के शीट पर ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद अपने पॉइंटर या कर्सर को साइड में रखें। अब हमें इस ओवल के नीचे वाले पार्ट को कट करना है। कट करने से पहले हम इस ओवल टूल के नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टूल के अंदर जाएंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस ओवल टूल के नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने का तरीका वही है जो हमने पहले सीखा था। हम सेलेक्ट टूल में गए थे, ठीक है, एक मिनट। सिलेक्शन करने का हमारा तरीका वही है, इसको भी सेलेक्ट करने का तरीका वही है कि हम सेलेक्ट टूल में गए, इसको हमने कॉपी किया, हमने ओवल उसका इसको रेक्टेंगल सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करके हमें क्लिक करके हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद हमने जैसे पहले हमने कॉपी में सेलेक्ट किया था इसको, उसी तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और जितना भी पोर्शन, अब इसमें क्या है कि हम जितना भी सेलेक्ट करना चाहें, हम इसको यहाँ सेलेक्ट करना चाहें इतना कर सकते हैं, इतना करना चाहें इतना कर सकते हैं, इतना करना चाहें इतना कर सकते हैं। तो सिलेक्शन अब हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हमें इसमें कितना कट करना है, कितना कट करके कहाँ ले जाना है, उसी हिसाब से हम इसको जो है सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन तरीका आप पहले सीख चुके हैं ऊपर जाके, और उसके बाद जब इसको करेंगे, इसको हम वही माउस से लेफ्ट क्लिक के साथ में ड्रैग करके इसको कट करेंगे। चलिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, सेलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस या टच पैड के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और फिर उसे ये दबा के रखना, ध्यान रखना है, जिससे कि ये नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप कट की कमांड का प्रयोग करें। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको इसके करने के बाद में आपको कट की कमांड को यूज करना है। क्या है कट की कमांड आप बताइए, हमने आपको बताया था कट की कमांड क्या है, बहुत आसान तरीका बताया था याद रखने का। कंट्रोल के साथ में क्या लगाना था हमने? हाँ, कैंची लगा दी थी, ठीक है, कट के साथ में हमने लगा दिया। तो अब क्या करना है, हम यहाँ पे जो है हम अपनी कमांड देनी है, हमको क्या कमांड देनी है, क्या कमांड? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल एक्स दे दीजिए, दे दिया कमांड, दे दिया है। चलिए वीडियो प्ले कीजिए आगे। कंट्रोल प्लस
एक्स होता है, जैसे ही आप इस कमांड का प्रयोग करेंगे या नीचे का पार्ट कट हो जाएगा। लेकिन अब यही पे है, नीचे का पार्ट कट हो गया। उसके बाद आप इसे लाने के लिए पेस्ट का कमांड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो तरीके हैं। अब ये यहाँ से कट हो गया, यहाँ चला गया, यहाँ से साफ हो गया, आपको कहीं नहीं पता कहाँ गया है। अब दो तरीके हैं उसके, या तो आप इसको रीडू करें, रीडू से क्या होगा वो फिर दोबारा से वहीं आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें इसको कहीं और ले जाना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करके फिर हम इसको ड्रैग करके जैसे हम चाहते हैं जहां चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं। ये पेस्ट का कमांड का प्रयोग करेंगे जो कि कंट्रोल प्लस वी होता है। जैसे ही आप पेस्ट की कमांड का प्रयोग करेंगे, यहां पे आ गया पेस्ट कर कमांड करते ही एक नीचे वाला पार्ट आपको दिक्कत आने कोई आपका सबका हो गया गुड, आपने किया थोड़ा सा इसको कीजिए, इसको सिलेक्शन में लाइए, अपना रख दीजिए, स्क्वायर सिलेक्शन की यहाँ ये करिए, अब इसको यहाँ कर लीजिए, ठीक ठीक सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, अब इसको कट कीजिए, ये कट ये तभी यहाँ कट की यहाँ कट कर दीजिए, कट हो गया, अब कमांड दीजिए, पहले कमांड दीजिए, कमांड दीजिए, कंट्रोल एक्स दीजिए, साफ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पेस्ट करना है, कंट्रोल प्लस करिए, कंट्रोल ठीक है, ये यहाँ आ गया, आपका आ गया, सबका आ गया, आपका आ गया, अभी सेलेक्ट टूल पे जाइए, सिलेक्शन अब सिलेक्शन दीजिए, पहले सिलेक्शन को सिलेक्शन कीजिए, रेक्टेंगल सिलेक्शन कीजिए, पहले ऊपर से रेक्टेंगल सिलेक्शन कीजिए, इसको कीजिए कीजिए, ये करें, अब इसको आप कहीं जहां भी काटना चाहे काट दीजिए, कट गया। अब कंट्रोल कंट्रोल कमांड दीजिए, कमांड दीजिए, कमांड दीजिए, इसे उसे छोड़ दीजिए, इसे मत दीजिए, कमांड दीजिए, कंट्रोल एस कमांड दीजिए, अब फिर पेस्ट करना है, इसको भी कुछ करते हैं, अब कमांड दीजिए, पेस्ट कमांड दीजिए, आ गया, अब सबका आ गया है। अब इसको आप देखिए कि अब आपको इसको ड्रैग करके कहीं ले जाना है, जहां भी ले जाना है इसके ऊपर अपने कर्सर को ले आइए, अभी मत जल्दी मत कर्सर, ये जो आपका कर्सर है इसको यहाँ बीच में लाइए और उसी तरह से कंप्यूटर के माउस के लेफ्ट, माउस के लेफ्ट को करके धीरे धीरे करके ड्रैग कीजिए और वहीं लाइए जहाँ पहले आपका था, कीजिए वहीं ले आइए जहाँ पे था, वेरी गुड, वहाँ से लाइए, ये नहीं तो ये तो आपको वहाँ से सारा क्वेश्चन दोबारा से कीजिए, पूरा दोबारा से इसकी इसको सब इसको इसकी हटाइए, कंट्रोल ए का डिलीट कीजिए, कंट्रोल ए के साथ लगिए, अब फुल कंट्रोल डिलीट कीजिए इसको, अब दोबारा से कीजिए, पहले ओवर लीजिए, बनाइए ओवर, बनाइए थोड़ा यहाँ बनाइए, इसी को बनाइए, बनाइए यहाँ और बनाइए, यहाँ बनाइए, मतलब बीच में आपको क्या करना है, कट करना है, कट करने के लिए कमांड में जाइए, उसमें सिलेक्शन सिलेक्शन में जाइए, सिलेक्शन कमांड देनी है, कट कीजिए, अब इसको यहाँ कट कीजिए, ड्रैग कीजिए, यहाँ कर दिया, शाबाश, आप इसको कमांड दिया, कब कब दो कमांड है, इसको छोड़ दीजिए, आप दो कमांड आप इधर उसको बाहर नहीं निकालिए, भी सेलेक्ट करके रखिए, छोड़ दीजिए, सेलेक्ट करके रखिए, अब इसको बीच छोड़ दीजिए, अब जब तक आपकी कमांड पूरी नहीं होती आपको इसको टच नहीं करना है, अब कंट्रोल की कमांड दीजिए और पेस्ट की कमांड दीजिए, सॉरी कट की दीजिए, पेस्ट कीजिए, वी आ गया, ठीक है। अब दोबारा से हमें इसको वहीं लाना है, कहाँ आएगा ये लीजिए, इसको फिर दोबारा ड्रैग करके यहाँ लाइए, ऐसे यहाँ लाइए, जोड़ दीजिए, क्लियर, अब जोड़िए, जब तक ढंग से जोड़ना जाए तब तक उसको बाहर क्लिक मत कीजिए, देख लीजिए जुड़ गया, छोड़ दीजिए, अब जुड़ गया, अब इसको बाहर ले जाइए, क्लिक करिए,
हो गया, तो जहां उसको लाना चाहते हैं वहां वो आ जाता है। चलिए सर, एज ए टीचर मैंने क्लास में ऑब्जर्व कराया है कि इसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि इनके जैसे सर को कॉपी पेस्ट करना नहीं आ रहा है। हम भी कई बार क्लास करते हैं तो किसी बच्चों को कमांड याद नहीं आती है, तो हमें भी गुस्सा आता है क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मेरे राय से मैं ऐसा करता हूँ कि बच्चों को पहले सबसे पहले मैं सिलेक्ट करवा देता हूँ, सामने देख लीजिए, यहाँ से मैं कॉपी करवा दूँगा, किसी को कट करना है तो मैं यहाँ से कट करवा देता हूँ मैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे अग्रेसिव होते जाएंगे धीरे धीरे उस चीज़ सीख जाएंगे। यहाँ पर नॉर्मल है कि हम यहाँ से इस चीज़ को भी यहाँ से बता दें। तो तरीका देखो, तरीका तो हम आपके वीडियो के हिसाब से जा रहे हैं। नहीं मैं आप मैं वो बता रहा हूं, एज ए टीचर बता रहा हूं सर मैं। ठीक है ठीक, वो तो इसके बाद ऐसा है मेरे ख्याल से, इसके बाद फिर ये बताया जा सकता है कि ये भी एक आसान तरीका। हाँ, तो क्योंकि कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है बिल्कुल भी, ये फिर बता सकते हैं ये एक आसान तरीका है। अब इसको क्योंकि इसके बाद फिर इसको प्रैक्टिस कराना चाहिए एक्चुअली। हाँ, वो शायद है नहीं आपके वीडियो में, नहीं वो बता। और तीसरा मेरा एक और एक्सपीरियंस था कि बच्चे क्या करते हैं, एज ए टीचर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बिना कमांड करे, इसको कट कर देते हैं, क्या सर मेरा तो कट हो गया, मैंने कमांड नहीं करा, तो नॉर्मल उस चीज़ को यहाँ से वो ड्रैग कर देते हैं यहाँ से। हाँ ये भी, वो कहते सर मैंने तो बिना कमांड कर लिया, मैं कैसे करा, वो कहते हैं सिंपल सर मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा था, चाहे कहीं से करूँ उसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। वही है कि कई चीजें हैं, ये सब चीजें बताई देख के करके बता सकते हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही कह रहे हैं क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, बच्चे बोल रहे हैं कंट्रोल की बंद हो गई, कंट्रोल की काम नहीं कर रही, कई बार कीबोर्ड भी खराब, वीडियो के हिसाब से चल रहा है, कीबोर्ड भी खराब होता है वहां पर कई बार, हां तो फिर वो बताना पड़ेगा कौन क्या क्या था एडिशन तरीके। नहीं सर मैं आपके कह रहा हूं, हमें तो वीडियो के साथ चलना है, हां वीडियो के साथ चलना है, तो वही मैं बात कर रहा हूं, वो वीडियो में आ नहीं रहा अभी ना, ऊपर वाला है वो कह रहे हैं मॉड्यूल 2 में आएगा। अच्छा ठीक है, तो पहले को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए ना मैं वीडियो के साथ चल रहा हूं, वीडियो के साथ चल रहा हूं। आगे वापिस